कि जब भीम और पांडव मनाली से चले गए थे तो हिडिंबा राज्य की देखभाल करने के लिए वो बाद में वापस आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि हिडिंबा बहुत दयालु और न्यायप्रिय शासिका थी। जब उनका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिंबा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया और अपना शेष जीवन बिताने के लिए ध्यान करने जंगल में चली गईं। हिडिंबा अपनी दानवता और राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर तपस्या करती रहीं। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी प्रार्थना सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्रदान हुआ। हिडिंबा देवी की तपस्या और उनके ध्यान के सम्मान में इस चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है। मंदिर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालु हिडिंबा देवी के दर्शन पूजन के लिए यहाँ आने लगे।